झारखंड के साहेबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मृतक के शव को जमीन से खोदकर बाहर निकाला है। इस सनसनीखेज मामले के सामने आते ही पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक शख्स की पहचान धनंजय मिश्रा के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि वे 3 मार्च से लापता थे। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद अपराधियों ने धनंजय मिश्रा के शव को जमीन के अंदर दफन कर दिया था। वहीं उनके लापता होने की खबर सामने आने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई थी। इसी बीच जांच में पुलिस को कुछ जानकारी मिली, जिसके बाद जांच टीम ने देर रात जमीन की खुदाई कर शव को बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि सीएम के विधानसभा प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के चचेरे भाई धनंजय मिश्रा 3 मार्च से लापता थे। इस संबंध में उनकी पत्नी ने 4 मार्च को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने राजमहल से एक ट्रक चालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। उसी की निशानदेही पर महादेवगंज के अम्बाडीह में जमीन खुदाई कर शव को बरामद किया गया। जिनसे वो गायब था, जैसा कि पता चला कि कलश की रात महादेवगंज के आसपास में गाड़ी की कुछ निकाला गया है। अभी कई बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है कि हत्या का वास्तविक कारण क्या है। कुछ इलिसिट रिलेशन की भी बातें सामने आ रही है, कुछ इसमें लैंड डिस्प्यूट की बातें सामने आ रही है। तो सभी पहलुओं पर जांच करने के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस कारण से इसकी